आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है, जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है और नोट छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। अगर आप हमारी डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए अब जानते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग यही अक्सर सोचते हैं कि सरकार ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है, ढेर सारे नोट छाप के हम सबको बांट दे जिससे हम सबकी गरीबी दूर हो जाए और बेरोजगारी दूर हो जाए, जबकि सरकार पर नोट छापने की मशीन है, ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है। यह सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि नोट कब और कैसे छापे जाते हैं, कितने नोट छपेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। किसी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा उस देश की प्रेजेंट करेंसी, मतलब जिस देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए मान लेते हैं कि सरकार ढेर सारे नोट छाप लेती है और हम सबको ढेर सारे नोट दे देती है। अब सबके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में सामान लेने जाते हैं, जो पहले सामान 50 रुपये का मिलता था और उस पर दुकानदार 5 रुपये मुनाफा कमाता था, लेकिन अब उस दुकानदार के पास पहले से लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो वो 5 रुपये मुनाफा थोड़ी ना कमाएगा और वो और उसके रेट बढ़ा के और कर देगा, क्योंकि उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, 5 रुपये कमा के क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो उस पर रेट बढ़ा देगा। इसी तरह कच्चे माल से लेकर पक्के माल तक के रेट आसमान छूने लगेंगे, जिससे महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, दुनिया के दो देश ऐसी पहले गलती कर चुके हैं, जिसमें पहला है जर्मनी और दूसरा है जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी, जिससे युद्ध का जरूरी सामान पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज ले लिया था, पर युद्ध में हार जाने के बाद वह देशों का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। और ऐसे में जर्मनी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ढेर सारे नोट छाप लेते हैं, और जर्मनी ने ऐसा ही किया और ढेर सारे नोट छाप लिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू कम हो गई और वहाँ महंगाई बढ़ गई। और जिम्बाब्वे भी यही गलती कर चुका है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई, यानी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई और वहाँ के लोगों को ब्रेड अंडे जैसी चीज़ें लेने के लिए काफ़ी रुपए देने पड़ रहे थे और वहाँ महंगाई आसमान छूने लगी। दोस्तों, हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कितने नोट छपने हैं और कब छपने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि सरकार ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है। अगर आप हमारे डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी अजीबोगरीब बातें बताई जाती हैं।